द फ्रेमवर्क लेसन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कैमरा एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स की वीडियो अपडेट्स के लिए। हे गाइस, मैं हूं अक्ष, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं अपने नए गिम्बल रोनिन एस की। DJI कंपनी का ये है, DJI कंपनी का सबसे पहला सिंगल हैंडेड गिम्बल है ये। और इसने अभी तक के जितने भी गिम्बल आ रहे थे, जो जियन का था और थर्ड पार्टी और भी बहुत सारे हैं, तो उनके जो गिम्बल आ रहे थे उनको ये बहुत अच्छा जवाब दिया है DJI ने। तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे आपको सारी बातें बताऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको अभी ओपन करते हैं हम। तो इसके अंदर हमें साथ में एक इसका केस मिलता है थर्माकोल में। तो अभी बॉक्स को रख देते हैं हम साइड में। और ये है इसका केस, इसमें बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया है। काफ़ी जो पहले DJI Phantom 4 जो ड्रोन है उसका केस भी ऐसा ही आता था, ये उससे थोड़ा सा मुझे मजबूत लग रहा है। तो अभी अंदर देखते हैं। यहाँ से इसका ये लॉक बटन है, इसको ओपन करके हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये है जी हमारा रोनिन एस, DJI रोनिन एस। और एक एक करके इसकी चीज़ें दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे है इसका, काफ़ी अच्छे से फिट कर रखा है। तो सबसे पहले ये है इसका स्टैंड, जो यहाँ पे इसको स्टैंड करके बैलेंस करने के लिए है या फिर आपका रखने के लिए है। जब भी आप कहीं पे शॉट ले के अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो इसके बाद हमें मिलता है नेक्स्ट, ये एक केस दिया हुआ है अलग से। इसमें सारे जो स्क्रू हैं एलन की हैं और जो इसकी वायर केबल हैं सब इसमें एक साथ की हैं ताकि अलग अलग बिखरा ना रहे। तो ये है इसके अलग अलग कैमरा के लिए अलग अलग स्क्रू और एलन की, अगर इसको टाइट करना है कहीं से तो वो आगे देखेंगे हम कैसे कैसे ये और चीज़ें हैं। ये सपोर्ट करने के लिए है, ये आपका लेंस अगर लंबा है तो उसके लिए है, उस पर आगे माउंट सपोर्ट करने के लिए। ये इसमें केबल है, ये आई थिंक इसकी चार्जिंग केबल है। और ये अंदर जो है ये इसके अपडेट के लिए, ये इसके अपडेट के लिए। तो ये आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे कैसे इसको अपडेट करना है, अगर नया फर्मवेयर अपडेट आता है तो उसको कैसे अपडेट करना है। तो अभी इसको साइड में रख देते हैं। अभी नेक्स्ट इसके साथ है ये इसकी प्लेट, बेस प्लेट जो नीचे हम लगा के इसको हम कर सकते हैं। ये जो मैन फ्रेटो की जो बेस प्लेट होती है वैसी ही सेम है अगर आप इस पर लगा के, ये मैंने दूसरी वीडियोस में देखा था। तो उसमें क्या है कि इसमें आप इस पर अगर आप डायरेक्ट लगाते हो इससे बेस प्लेट से उतारना है, और मैन फ्रेटो के जो भी हेड है उस पर आप आराम से इसको लगा सकते हो, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये अच्छी चीज़ बनाई है इन्होंने, बार बार हमें प्लेट चेंज नहीं करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट हमें मिलती है इसके साथ, ये है इसकी बैटरी। और ये बैटरी इसके जो मेन गिम्बल है उसके नीचे लगती है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये है हमारा गिम्बल, ये गिम्बल, और ये इसको सपोर्ट देने के लिए अभी हम इसको उतार देते हैं। तो ये है जी हमारा गिम्बल, 3-axis गिम्बल, और इसको बाद में देखते हैं। अभी ये मोटर आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे लगेगी इसमें। तो ये है इसकी बैटरी, और साथ में ये इसके लॉक होने के बाद इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसका एक नेगेटिव पॉइंट मुझे बस यही लगता है कि इसमें जब हम इसको चार्ज करते हैं तो ये साथ में लगा के ही चार्ज करनी पड़ती है। तो बस अभी फिलहाल की वीडियो में अनबॉक्सिंग ही दिखानी थी मुझे। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इस पे रोनिन एस पे हम 1DX को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, 1DX Mark II, और साथ में कैनन के किसी भी कैमरा को हम इस पे बिल्कुल आसानी के साथ हम इस पे बैलेंस कर सकते हैं। तो वो एक जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम इस पे किसी भी DSLR को हम आसानी के साथ बैलेंस कर सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में, और फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशन है इस वीडियो को लेके या किसी भी वीडियो को लेके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं इस चैनल पर इस टाइप की वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू।